सो गाइस यूट्यूब पर कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में कैसी भी वीडियो बनाने के लिए तैयार है। वो ये नहीं सोचते कि ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको क्या नुकसान है, उनको क्या फायदा है, वो ये नहीं देखते। वो बस ये देखते हैं कि जब ये वीडियो अपलोड करूंगा मेरे भर भर के व्यूज आएंगे, भर भर के मैं यहाँ पर पैसे कमाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ उन गुरुओं की जो यूट्यूब पर भाई मतलब भगवान बन के बैठे हैं। जो वो बोलेंगे वो ऑडियंस करेगी और ऑडियंस भी उनको भगवान बनाए, ऑडियंस ने उनको भगवान बनाया। चाहे वो कैसी भी वीडियो अपलोड करते कुछ भी नहीं बोलती ऑडियंस, और एक छोटा यूट्यूबर जब ऐसी वीडियो बना देता है तो भर भर के कमेंट करेंगे, और जब बड़ा यूट्यूबर कैसी भी वीडियो बनाएंगे भाई नाइस भाई सुपर वाह भाई ओपी ओपी का कमेंट कर देते हैं, लेकिन जब एक छोटा क्रिएटर ऐसी वीडियो बनाता है तो उसको पूरा डीमोटिवेट करने के चक्कर में यहाँ पर बने रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये दो गुरुओं की जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, इन दो गुरुओं की मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये यूट्यूब पर कैसी भी वीडियो बना दे भाई ऑडियंस को फायदा है या नहीं, नुकसान भी हो, लेकिन वो अच्छा कॉमेंट करेंगे क्योंकि उनको भगवान बना के बैठे हैं। मैं इनकी बात क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अभी मैं यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर थोड़ा कम एक्टिव हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, मेरा सेटअप का काम चल रहा है, मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सेटअप का काम चल रहा है, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैंने उनकी वीडियो देखी रिसेंट में, जो इन दो गुरुओं ने वीडियो अपलोड की है, उनकी जब मैंने वीडियो अपलोड की तो भाई क्या अपलोड कर रहे हो यार, इससे ऑडियंस को कुछ सीखने मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है उनको, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, बस इसीलिए वीडियो अपलोड करते हैं। कैसे वीडियो अपलोड किए हैं मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मैंने सही तरीके से अपलोड की थी कुछ दिन पहले, भाई AI वीडियोस कैसे क्रिएट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, इंस्टाग्राम पर वो रील्स वीडियो अपलोड करो AI वाली, व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, आपको पैसे कमा सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, AI से आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन अभी AI में थोड़ा सा भी फ्रॉड हुआ है और टेलीग्राम पर कुछ फ्रॉड चल रहे हैं, इस पर उन्होंने एक वीडियो क्रिएट किया। अभी मैं आपको बताता हूँ उन वीडियो से नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी मैंने जो आप गुरु मानते हो इन्हें मनोज, देखो उनका चैनल मैंने अभी ओपन करके रखा है आपके सामने, आउटडोर शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है सॉरी उसके लिए, लेकिन पीछे बैकग्राउंड देखिए मत, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप देखिए ठीक है। जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुँचनी चाहिए, मैं ये नहीं सोचता कि मेरे पास अच्छा सेटअप होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है भाई इसके पास सेटअप भी नहीं है ये क्या वीडियो बनेगा, आउटडोर शूट करेगा क्या वीडियो बनेगा, बस इसीलिए मैं यहाँ पर सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई सेटअप की जरूरत नहीं है। मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मैं जरूरी मानता हूँ, जो मेरी बात है उसको मैं जरूरी मानता हूँ। अब देखिए मैं उन्होंने चैनल ओपन कर रखा है, इनके चैनल पर जाता हूँ रिसेंट पे, एक दिन पहले यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, एक दिन पहले दो दिन पहले इन्होंने एक वीडियो अपलोड की है ठीक है। ऐसा देखना बाकी रह गया था, ऐसा देखना नहीं ऐसा करना बाकी रह गया था, जो कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मनोज दे, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ ठीक है। आप मेरी वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, लेकिन मनोज दे के चेले मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे ठीक है, उनके चेले देख रहे हो ना, वो कमेंट भी करेंगे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इनकी एक वीडियो जो उन्होंने अपलोड किया दो दिन पहले, बस ये देखना बाकी रह गया था, मिसयूज ऑफ AI, AI क्या यहाँ पर मिसयूज हो रहे हैं, गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। इनकी वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, ये वीडियो मैंने देखी है अभी देखी है, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पर, तो अभी मैंने देखी है, वीडियो को फुल वॉच किया, इस वीडियो में मुझे बहुत बड़ी कमी रखी। बाकी हम बात करेंगे जो यूट्यूब के महागुरु बन बैठे हैं ना, महागुरु जो यूट्यूब के बन बैठे हैं, टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु मौर्य सर, बहुत रिस्पेक्ट उनकी मैं करता हूं, उनको मैं गुरु मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी गुरु कर देते हैं जो कि चेले को बिल्कुल पसंद नहीं आते गाइस। यहां पर इनकी मैं वीडियो को थोड़ा प्ले करता हूं, आपको दिखाता हूं क्या उन्होंने गलती की है और ये वीडियो बनाई उन्हें AI के मिसयूज हो रहे हैं, तो देखते हैं AI से रिलेटेड वीडियो बनाई उन्हें। ठीक है यहाँ तक हो गया, अच्छा यूज कर, थोड़ा आगे लेता हूँ, अब देखो इन्होंने बोला है टेलीग्राम पर एक चैनल है, वो यहाँ पर गलत तरीके से काम चल रहा है, चला रहे हैं गलत तरीके का उपयोग कर रहे हैं AI का। अब AI का गलत उपयोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम नहीं बता के भी उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। देखो अभी कैसे किए हैं, देखो मैं पता चल जाएगा, तो मैं कुछ भी नाम वगैरह नहीं डालूंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड डाल देता हूं ठीक है। देखिए AI बॉट है ठीक है, ये काम करता है, यहां पर जस्ट आपको स्टार्ट करके सेंड करना है मैसेज, ओके रिप्लाई आता है लैंग्वेज सेलेक्ट, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, ओके उसके बाद वो बोलता है कि फोटो भेजिए। अच्छा क्या करो कि गूगल से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर किसी भी कहीं से भी किसी लड़की का एक नॉर्मल सीधा एकदम खड़ा होकर के नॉर्मल सा फोटो उठा करके उसको अपलोड कर दो ठीक है, मैसेज कर दो ठीक है। वो क्या कर रहा पता है, चंद मिनट में उससे नॉर्मल फोटो का जो वस्त्र है ना, जो कपड़ा है उसको उतार करके। अब मैं आपको छोटी सी बात में समझाता हूँ, AI पर एक ऐसा चैनल है, सॉरी टेलीग्राम पर एक AI का ऐसा चैनल है जो कि कोई बंदा हैंडल कर रहा है बाहर का। अब उस पर आप जाओगे, जब आप जाओगे तो वो आपको स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपने की, अब उस पर आप जैसे भी फोटो अपलोड करोगे तो वो फोटो अपलोड करने के बाद क्या करेगा, उस लड़की के जो कपड़े हैं वो उतार कर आपको एक घंटे के अंदर अंदर 10-15 मिनट के अंदर वो आपको फोटो भेज देगा।
बिल्कुल यहाँ पर वस्त्र उतार के। अब मैं यहाँ पर गलती क्यों बता रहा हूँ, यहाँ तक तो ठीक है इसके में, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि भाई टेलीग्राम पर एक ऐसा चैनल है, अभी लोगों को चीख चीख के बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जब ये वीडियो देखा तो मैंने 10 मिनट के अंदर उस टेलीग्राम चैनल को पकड़ लिया, गलती यहाँ पर की है, 10 मिनट के अंदर उस टेलीग्राम को पकड़ लिया, मैसेज किया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसका यूज़ किया तो यार हक्का बक्का रह गया यार, कैसे एकदम बिल्कुल सही फोटो वापस आ रही है। फिर उनको मैं बोलना चाहता हूँ गुरुओं को, यार ऐसी वीडियोस मत बनाओ। अब आपकी उस वीडियो पर 317,000 व्यूज आए, ठीक है, और 17,000 लोग, सभी को यहाँ पर महान चेले नहीं होते हैं कि मनोदय ने यहाँ पर वीडियो बनाई है चलो इसका मिसयूज नहीं करेंगे, 17,000 भी ऐसे यहाँ पर नल्ले हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, जो कि बेवकूफ़ हैं, वो इसी फिराक में रहते हैं, कब मैं ब्लैकमेल करके किसी से पैसे ऐंठे हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, वो 17,000 सप्री लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, उस चैनल को ढूंढेंगे, फोटो अपलोड करेंगे और किसी को ब्लैकमेल करेंगे। अब आप बताना ही चाहते थे मिसयूज हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर भी बता, सॉरी यहाँ पर ट्विटर पर भी हैंडल करके, यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट करके बता सकते हो टेलीग्राम पर ऐसा हो रहा है। अब वीडियो बना के आपने क्यों बताया, क्योंकि व्यूज मिलेंगे भाई, व्यूज मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे और व्यूज आएंगे तो आपके यहाँ पर पैसे बनेंगे। ये बंदा मनोज देव जो है ये महीने के 10 लाख रुपए यूट्यूब से इनकम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी छपरी वाली हरकत कर देते हैं ना, मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं आपको अच्छा मानता था, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप व्यूज के चक्कर में ऐसा कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी हरकत ओछी हरकत ठीक है वो आप कर देते हो ना तो ऑडियंस का थोड़ा विश्वास यहाँ पर हट जाता है। और सभी को यहाँ पर गुरु नहीं होते गाइस, ठीक है, सभी कोई ऐसे यहाँ पर भक्त नहीं होते, सभी कोई परमात्मा नहीं होते कि भाई ऐसा काम हम नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढूंढते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि बेरोजगारी है, काम तो कुछ करना नहीं है, तो कुछ ऐसे ढूंढते हैं जो कि ये बताने वाले तो हैं। अब टेलीग्राम पर मैंने ढूंढ लिया तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते गाइस। टेक चैंपियन सपोर्ट ने भी यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया था, मैं आपको बता देता हूँ, टेक चैंपियन सपोर्ट, ठीक है, उन्होंने भी ये वीडियो अपलोड करके यहाँ पर बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, और उन्होंने भी वीडियो बना के यही सेम बताई है टेलीग्राम पर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, और यहाँ पर क्लिक बेट और क्या है ताकि व्यूज यहाँ पर अच्छे है, 22,000 व्यूज आए हैं, मुझे माफ कर दीजिए मैंने गलत वीडियो बना दिया है। अब क्या वीडियो बना दिया यार, इस पर भी यही बताया टेलीग्राम पर ये चैनल है और ऐसे आप जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अब आपको ये समझ में आगे होगा भाई, ऐसी ओछी हरकत, ऐसी गंदी हरकत मत करो यार। जब मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया टेलीग्राम पर उस चैनल को तो आपके देखने वाले यहाँ पर क्यों नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, सभी को यहाँ पर भक्त नहीं होते, कुछ ऐसे सप्री लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर पैसे कमाने के फिराक में रहते हैं, बेरोजगारी यहाँ पर फैल रही है, और वो टेलीग्राम पर जाएंगे, उस चैनल को ढूंढेंगे और फिर उसके बाद फोटो अपलोड करेंगे और वो फोटो लेके किसी को बताएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, और वो लड़कियाँ आत्महत्या भी कर सकती है, फांसी भी लगा सकती है, ठीक है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दीजिए यार, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दीजिए, वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला के मत इस स्कैम को ज़्यादा फैलाइए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, और मेरी जब बातें आपको सही लगी तो कमेंट करना, नहीं लगी है तो भी कमेंट में यहाँ पर बता देना आप, और बस ये आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आउटडोर शूट कर रहा हूँ, नॉइस वगैरह ये तो यार माफ़ करना, और कुछ भी गलत बोल दिया आपने भाई ने तो यार माफ़ कर देना, और फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और भाई का ये वीडियो बनाने का कोई यहाँ पर मान कारण नहीं था, लेकिन मैंने मुझे जो सही लगा वो मैंने यहाँ पर किया, और बाकी आप लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, और आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सही इन्फॉर्मेशन मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, किसी से मुझे डर नहीं लगता है, और किसी से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सही काम कर रहे हो तो उसे सही यहाँ पर बोलना आपका हक है, और सही बोलने वाले को कभी यहाँ पर डरना नहीं चाहिए, मुझे तो यही यहाँ पर बात घर वालों ने सिखाई, और यही मैं आगे यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।